बजाज पल्सर 125 है, ये स्प्लिट सीट में, डबल सीट में। बजाज पल्सर 150 पम 50 सीसी है, ब्लैक पे ब्लू पट्टी है। ये हमारी न्यू बाइक सीटी 110X, बजाज की सीटी 110X, ब्लैक पे ब्लू पट्टी, बजाज प्लेटिना 110, स्पोर्टी लुक और ब्लैक पे शायद ग्रे कलर है। और हमारी फोर्थ बाइक है बजाज प्लेटिना 100 CC, ब्लैक पे रेड स्टिकर है और शायद इसमें सिल्वर भी अटैच है। थर्ड बाइक है बजाज की पल्सर NS125, रेड ब्लैक कलर में। सेकंड है बजाज पल्सर 125, सिंगल सीट, ब्लैक पे ग्रे कलर है। बजाज पल्सर 150, ब्लैक पे रेड पट्टी, सॉरी रेड स्टिकर। हेलो दोस्तों, आपका फिर स्वागत है MH मोटर्स पर। और भाई आज हम आए संतोष जय मोटर्स पे, बजाज कंपनी पे, और काफ़ी स्टॉक आया, न्यू स्टॉक आया है। आपको दिखाते हैं कि प्राइस, रेट और फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। उनके पास फाइनेंस की क्या डाउन पेमेंट है, कितनी किस्त बनेगी, कितने CC बाइक है, कौन कौन सी बाइक है। आज भैया जो है हमारे सामने अशोक, कैसे थोड़े पूछते हैं। अशोक भैया कैसे हो? बढ़िया। तो अपने पास कौन कौन सी गाड़ियाँ खड़ी हैं, पहले फर्स्ट से स्टार्ट करो, जो सबसे कम CC में आती है वो बाइक बताओ आप, जो ज़्यादा डिमांड में है। अच्छा, प्लेटिना 100 CC है, आप देख सकते हो भाई 100 CC प्लेटिना है और काफ़ी अच्छे फीचर कंपनी निकाल दिए हैं। और इसका जो माइलेज है वो कितना है? 104 है कंपनी का 104 है, बाकी चलाने के ऊपर है सामने वाले व्यक्ति किस हिसाब से चलाता है। देख सकते हो भाई साहब 100 CC प्लेटिना का जो माइलेज है 104 कंपनी बताती है, बाकी आप लोगों के चलाने के ऊपर आप देख सकते हो कि कितना निकालना है। और सेकंड बाइक है जो हमारी भाई, ये सेकंड बाइक है प्लेटिना 110 CC, और इसका माइलेज कितना है भाई? कंपनी का जो एवरेज है 99 है इसका। और भाई आप लोगों को चलाने पे ये निर्भर होती है कि आप किस हिसाब से चला रहे हो। आप देख सकते हो इसके फीचर, स्टिकर और इसका जो नया लुक आया, शायद ये अभी न्यू लगाए इसके, भाई स्पोर्ट लुक दिया है, देख सकते हो ये स्पोर्ट लुक में आता है, स्पोर्ट गाड़ियों में आता है। और इसकी प्राइस है ट्यूबलेस टायर है, और भाई आप देख सकते हो ये ट्यूबलेस टायर है। और थर्ड बाइक है ये शायद नई लॉन्च हुई है CT 110, दोस्तों ये CT 110 है और 125 भी आ रही है अभी। तो इसका माइलेज क्या है भाई? अच्छा सेम इंजन है, सिर्फ ऊपर से ये थोड़ा ग्लोसी लुक दे दिया, शानदार लुक दे दिया, एक तरह से मानो कि हाफ बुलेट, मानो बुलेट वाला लुक दे दिया है। और देख सकते हो आप इसमें MRF के टायर हैं भाई, MRF के टायरों की डिमांड तो शुरू से ही रही है, और इसमें आपको MRF के टायर दिए और इसका जो लुक दिया पूरा स्पोर्ट लुक दिया है भाई। और थर्ड बाइक है अपनी भाई, थर्ड बाइक है वो हमारी स्पोर्ट बाइक है, 125 CC है, डिस्क ब्रेक है, और आगे पीछे पीछे है इसके, पीछे नहीं, आप देख सकते हो स्प्लिट सीट है, ये स्प्लिट सीट आती है डबल सीट। तो जो इसका लुक दिया वो पहले 180 CC की आती थी वो लुक दिया है, बाकी स्प्लिट सीट में काफ़ी लुकिंग शानदार दी है कंपनी ने, काफ़ी फीचर चेंज करे हैं। और इसकी इसका माइलेज क्या है अशोक भैया? इसका माइलेज 85 है कंपनी, देख सकते हो दोस्तों कंपनी 85 का माइलेज बताती है। बाकी आप, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि आप लोग किस हिसाब से चलाते हो, किस हिसाब से उसके ऊपर एवरेज। और जो हमारी ये इसी मतलब इंजन CC इसके सेम लुक है, मगर CC इसका बढ़ा दिया है, ये 150 CC है शायद, भाई देख सकते हो ये 150 CC है। और इसमें पीछे डिस्क ब्रेक दिए हैं, ABS सिस्टम है, शायद आगे भी ABS है, और देख सकते हो ब्लैक पे ब्लू कलर है ये। और इसका जो माइलेज कितना है भाई, कंपनी की जो बताती है बताओ? 65 है कंपनी का, 65 है, बाकी मेन रोड पर जो भी एवरेज निकालेगी वो सामने कंपनी क्या है।
और अब आते हैं अपनी सबसे प्यारी, सबसे ग्लोसी बाइक, सबसे ज़्यादा लड़कों की पसंदीदा NX 125 CC। भाई देख सकते हो यार, बोलते ना सब लुक पहल कर दिया इस गाड़ी ने तो यार, बहुत शानदार लुक में है और काफ़ी डिमांड में चल रही है और गाड़ियों को अच्छी टक्कर दी है जो बड़े सेगमेंट में आ रही है। बाकी 125 CC है एवरेज इसका, कितना अशोक भैया? सेम एवरेज, हाँ सेम, वो इंजन तो सेम ही भाई ऊपर से। बाकी NX जो सबसे पहले आई थी वो 200 आई थी, है ना, NX 200 आई थी, उसके बाद 160 आई, अब ये NX 125 निकाली है। बाकी लुक वाइज काफ़ी शानदार है और काफ़ी डिमांड में चल रही है, और ये तो 125 CC। और दोस्तों आपको एक चीज़ बताते हैं भाई, स्पेशल इसलिए बजाज की गाड़ी क्योंकि इसमें अभी कंपनी ने कार्बोरेटर नहीं हटाया गया, क्योंकि जिस गाड़ी में कार्बोरेटर है वो काफ़ी स्मूथी चलेगी और सेड भी रहेगी और एवरेज वगैरह भी अच्छे निकालेगी और प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही हैं। तो भाई जहाँ तक है सब बजाज की गाड़ियों में कार्बोरेटर है। आपको एक बार इसका कार्बोरेटर दिखाते हैं, आप देख सकते हो कार्बोरेटर है इसमें, हाँ भाई दोस्तों इसमें कार्बोरेटर है, क्योंकि बजाज की गाड़ियों में कार्बोरेटर नहीं हटा गया, ऑन ऑफ का सिस्टम सब लगा हुआ है इसमें, रिजर्व ऑन ऑफ का। बाकी कार्बोरेटर वाली गाड़ी इस टाइम में सक्सेस ज़्यादा है। और एक बार आपको सब गाड़ियों का लुक दिखाते हैं भाई, सभी में कार्बोरेटर है, सभी बाइकों में कार्बोरेटर है, बजाज की प्लेटिनम ले लो या CD 110 ले लो या NX ले लो या 125 पल्सर ले लो या फिर 150 पल्सर ले लो, भाई सभी बाइकों में कार्बोरेटर है बजाज की में। दोस्तों ये है बजाज का ओल्ड शोरूम बाइक, और आप आके जो अशोक भैया हैं इनसे आके आप ट्राई कर सकते हैं गाड़ियों के प्राइस, डाउन पेमेंट कितनी EMI बनेगी उसकी आप भैया से डिटेल ले सकते हैं। आपको इनके डिस्क्रिप्शन लिंक में नंबर डाल दूंगा।